टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कलवा के विधायक जितेंद्र अभाट का 5 अगस्त यानी आज उनका जन्मदिन है और मुंब्रा शहर में कई जगह पर एनसीपी के पदाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन कर जितेंद्र अभाट का जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि शमीम खान के कार्यालय पर भी जितेंद्र अभाट के जन्मदिन के मौके पर स्कूल के बच्चों को बैग और हैंडीकेप को सामान देकर उनकी मदद की गई है और साथ ही महिलाओं को भी उनके ज़रूरत का सामान दिया गया है। इसी तरह से शानू पठान और मर्जिया पठान ने भी बच्चों को बुक बांटे और आधार कार्ड सहित कई ज़रूरती दस्तावेज भी बनाकर लोगों को मुफ्त में दिया गया है। इसी तरह से पूर्व नगर सेविका नादिरा यासीन सुरमे के बेटे इमरान सुरमे ने भी ज़रूरतमंद लोगों को राशन दिया है। इमरान सुरमे ने बताया है कि ये राशन जितेंद्र अभाट के जन्मदिन के मौके पर ज़रूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है। जितेंद्र अभाट के जन्मदिन के मौके पर शमीम खान और मर्जिया पठान ने क्या कुछ कहा है आपको सुना दी। आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अभाट साहब के यौम पैदाइश के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा की जानिब से तनवर नगर राष्ट्रवादी कार्यालय ऑफिस से आज विभिन्न तरीकों का यहाँ पे प्रोग्राम्स किया गया है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अभाट साहब की यौम पैदाइश के मौके पे उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला उनसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें जितेंद्र अभाट साहब का एक बड़ा रोल होगा। अल्लाह ताला वो हर काम उनसे ले जो उनकी सोच है, जो हम सब कार्यकर्ताओं का एक सपना है। और आज तकरीबन 10 विकलांग भाइयों को यहाँ से व्हीलचेयर दिया गया है। तकरीबन 400 ऐसी हमारी बहनों को जो बेवा हैं, गरीब मुस्तहिक हैं, उन हमारी खाला जैसी लोगों को खाला दुआ कर दीजिए सर पे। अल्लाह पाक जो भी आप लोगों ने किया है आपकी उम्र दराज करे और आपकी अल्लाह ताला हर खुशियाँ आप लोगों को अता करे मेरे अल्लाह पाक। और जितेंद्र अभाट साहब की भी रोजियों में और उनको तरक्की अल्लाह दे रहा और जितने भी है उनके साथ में उन सबको अल्लाह पाक अच्छा रखे। आमीन, आमीन खाला। देखिए अभी खाला ने बहुत सारी दुआएं दिया हमारी माँ ने। इस तरीके से आज का जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है मैं बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से। देखिए केक तो बहुत लोग काटते हैं अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पर, पटाखे आतिशबाजी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों ने, हमारे पूरे साथियों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार ने आज मिल करके यहाँ पे एक साथ में सब लोगों ने एक प्रोग्राम्स किया जिसमें तकरीबन 300 गरीब बहनों को उनको लेडीज सूट दिया गया। यहाँ पे 300 स्कूल छात्रा बच्चों को, छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट बच्चों को, उनको स्कूल के बाइक दिए गए, उनको कंपास दिया गया, उनको बुकेज दी गई। इस तरीके से तकरीबन 10 लोगों को, 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एंड्रॉयड मोबाइल दिया गया, 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको 3,000 रुपये की उनकी जो माजूर बच्चे थे यानी कहीं ना कहीं उनके वालदेन नहीं थे तो उनको एक एक महीने की, दो दो महीने की उनको फीस दिया गया। इस तरीके से आज बहुत सारे भाइयों को हमारे प्रिंटर दिया गया, 10 लोगों को व्हीलचेयर दिया गया, वो स्टैंड दिया गया। 10,000 का इस हिसाब से 10,000 रुपये का एक गोनी में भर करके हर हमारे 20 विकलांग भाई यानी 20 इंस्टॉलमेंट। मैं थाने महानगर पालिका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे प्रयासों से, मेरे भाई यूसुफ भाई हैंडीकैप के प्रयासों से थाने महानगर पालिका ने 20 बूथ दिया था जिसमें हमारा भाई एक बड़ा सपोर्ट था। तो उसको देखते हुए कि वो बूथ तो आ गया लेकिन सामान कौन डालेगा इस्लामुद्दीन भाई, तो उसके सामान का भी इंतज़ाम किया गया। और इस्लामुद्दीन भाई एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ नसीहत मैं शहर के कुछ लोगों को देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत क्वालिफाइड हैं, हम एजुकेटेड हैं, लेकिन शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आप जाहिल हैं, आपके अंदर जहालत भरा हुआ है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं अरे भैया कि ये दिखावा हो रहा है, आप कहते हैं कि ये नाटक है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ काम किसको कहेंगे आप? क्या इससे बड़ा काम, एक माँ ने मुझे भी दुआएं दी, क्या इससे बड़ा काम दूसरा हो सकता है? क्या नहीं हो
सकता है। मैं किसी एक विपक्षी पार्टी को नहीं, कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें हिदायत देना चाहता हूँ। मैं उन्हें हिदायत देना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे कुछ अच्छे सराहनीय काम करो, ऐसे अच्छे काम करने वालों के साथ में उन्हें आप उनका मनोबल डाउन नहीं कर सकते। ऐसा एक लिखोगे तो ऐसा प्रोग्राम शमीम खान 100 करेगा इंशाल्लाह ताला। आपके कहने से मेरा मनोबल डाउन नहीं होगा, मेरे दोस्तों का मनोबल डाउन नहीं होगा। आपके ऐसे कमेंट करने से शहर में इंशाल्लाह ताला ऐसी माँ जैसी, हमारे भाइयों जैसे, चेचा जैसे लोगों की दुआएं मिलेगी और इंशाल्लाह ताला ये लोग डॉक्टर जितेंद्र वाड़ साहब का ये जो परिवार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये जो पक्ष है, परिवार है, वो भाई और बहन के रिश्ते की तरह, जैसे एक बंधन होता है उस बंधन की तरह इंशाल्लाह ताला पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, डॉक्टर जितेंद्र वाड़ को मजबूत करने का काम करेगा और शहर में जो कुछ काम अधूरे रह गए हैं उसे पूरा करने के लिए इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे और शहर को इंशाल्लाह ताला। मैं अक्सर कहा करता हूँ इस्लामुद्दीन भाई, लोग मेरी बातों का मजाक करते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ सर कि मुमरा कोसा संघाई के चल्ला नक्शे कदम के ऊपर, फिर कह रहा हूँ फिर कहूँगा, मैंने संघाई भी देखा है। कोई भी शहर, कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक बार कॉन्क्रीट हो चुका हो वो दोबारा टूटता नहीं है। कोई देश, कोई कंट्री, कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पानी, जहाँ पे गटर नाले, जहाँ पे कोई भी ऐसे काम हो वो ख़त्म हो गए हों। इंशाअल्लाह ताला आज मैं अवार्ड साहब के यौम पैदाइश के मौके पे इस बात का ऐलान करता हूँ कि जो काम कुछ अधूरे हैं इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द हम लोग पूरा करेंगे और अपने शहर के साथ उनका खादिम बन करके काम करेंगे। यही मेरा संदेश है, यही मेरा मैसेज है। हम लोगों ने अभी एक हफ्ता पहले जो कैंप रखा था, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, डोमिसाइल, सीनियर सिटीजन, वो हम लोगों ने सभी लोगों के फॉर्म्स वगैरह भरे थे और हम लोगों ने उसका फॉलोअप लेकर बहुत क्विकली विद इन 5 डेज वो सारे जो उस टाइम पे 1000 लोगों ने भरे थे वो फॉर्म्स, उसको हम लोगों ने जमा करवा के काफ़ी सारे लोगों के, उसके अंदर से 750 लोगों के हम लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन कार्ड, डोमिसाइल, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा दिए और आज उसी का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन रखा था ताकि आज के दिन अवार्ड अंकल के हाथ से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। साथ ही में हम लोगों ने रेशन कार्ड, आधार कार्ड, आई चेकअप, मुफ्त में चश्मे बांटने का और हेल्थ चेकअप भी रखा, ऑर्गेनाइज किया था। अभी तक के आधार कार्ड के 350 लोगों ने अपडेट और बाकी सारी चीज़ें करा दिया और काफ़ी लोग डिमांड बिकॉज आधार कार्ड के हमेशा ही रहती है लोगों की, तो हम लोगों ने ऑलरेडी उनको कूपन्स दे दिए ताकि वो कल भी आके, हमने एक दिन और एक्सटेंड कर दिया है कि वो ऑफिस पर आके कल भी आधार कार्ड अपना बना लें। राशन कार्ड का जो है 400 लोगों ने एप्लीकेशन अपने जमा कर दिए हैं, हम लोग उसका पूरा फॉलोअप लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड बन जाए और ये 700 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी चश्मे भी बांट चुके हैं।